if given a choice if god gives us a choice अगर हम तुम्हें चुनौती दे, देता है कि परमेश्वर चुनौती देता है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और ये ऐसे कि आ, ऐसा एक सवाल है आ, आ, एक एम तौर से नहीं किया जाता है या इफ यू हैव ए मिनिस्ट्री अगर समझो आपका एक सेविका ही है गॉड गिव्स यू अ चॉइस और अगर परमेश्वर तुम्हें चुनौती देता है वेदर यू वांट टू गो टू यूपी और यूएसए अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश जाना है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट जाना है उत्तराखंड और यूके uh, और यूके uh, या उत्तराखंड और से uh, uh, बिहार और बहरीन बिहार या बहरीन विल बी योर चॉइस तुम्हारा चुनौती क्या रहेगा इन चूजिंग क्या चुनने में कठिन हो रहा है इन नाम को देखकर

और जहां कहीं भी परमेश्वर हमें भेजता है गॉड अ इन इट और ये बात समझ लो कि परमेश्वर का उसमें कुछ मकसद है गॉड नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ और बिना कोई मकसद का परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता गॉड हेज अर्पज इन अवर लाइफ हमारे जीवन में परमेश्वर का एक मकसद है गॉड अ इन अवर फैमिली हमारे परिवारों में परमेश्वर का एक मकसद है वी नीड टू नो गॉड नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ और बिना कोई मकसद का परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है हमारे साथ

और एक सांत्वना या शांतता का एक तराई है इट वॉज अ डेसर्टेड प्लेस और वे एक खाली जगह है जहां पर कोई मनुष्य नहीं पाया जाता We know which valley it was. हम जानते हैं ये कौन सा तराई है इट वॉज द वैली ऑफ ड्राई बॉन्ड्स वो सुखी हड्डी का तराई इट वॉज प्रॉफिट एज गॉड टू प्रॉफिट एज टू दिस वैली ऑफ Full of dry bones. और ये सूखी हड्डी से भरा हुआ जमीन पर जो भविष्य दत्ता एजेकियल है उसे परमेश्वर ले जाता है 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 और और हम सब जानते हैं ये अच्छा अच्छा खुशी का या या फिर जगह अच्छा जगह नहीं है। और तो नहीं ऐसा खूबसूरत सुंदर तो लेकिन ये भविष्यदत्ता को परमेश्वर ऐसा एक देश पर ले गया जहां पर जमीन है जो सुखी हड्डी का भरा हुआ था 37, 1. और का पुस्तक 37 अध्याय सैतीस अध्याय वचन एक में हम ये देखते हैं यहुआ की शक्ति मुझ पर उतरी यहुआ की आत्मा मुझे नगर के बाहर ले गई और नीचे एक घाटी के बीच में रखा घाटी मेरे लोगों की हड्डियों से भरी थी The prophet says the spirit of the Lord brought me to a valley. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है मुझे इस तराई के ओर ले चला. It was a valley फुल ऑफ ड्राई बॉन्ड और ये ऐसा तराई था जहाँ पर पूरा हड्डियों से भरी हुई थी लेकिन यदि हम ऐसे एक दर्शन या सपना भी अगर ऐसा देखते हैं ये गॉड uh, टेकिंग to टू वैली फुल ऑफ ड्राई bones. और परमेश्वर ऐसे जगह या तराईयों पर ले चल रहे जहाँ पे पूरे सूखे हड्डी पड़े हैं वट विल बी अवर रेस्पॉन्स हमारा प्रतिशत हमारा क्या, uh, क्या होगा उस जगह को लेकर और व्हाट विल बी आवर रिएक्शन हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा विल से श्योरली दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड फिर हम कहेंगे सचमुच ये तो परमेश्वर के और से नहीं है हाउ कैन गॉड टेक सच ए प्लेस परमेश्वर हमें कैसे इस जगह के ऐसे जगह में ले जाएगा places, और जैसे कि कि हालांकि बहुत सारे ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत जगह तो हैं हैं हम हम परमेश्वर के places, हम चाहते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर के चाहते हमें विभिन्न जगहों में में ले देश में ले जाएं। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है पवित्र आत्मा नहीं है जो हमें ऐसे हम आ, बताता है परमेश्वर क्यों ऐसे जगह में ले जाना है जहां पर पूरे हड्डियों से भरी हुई बट वी नीड टू नो लेकिन हमें एक बात को समझना है after 40 days of fasting, और और दिन का उपास के बाद को एक रेगिस्तान में ले गया, -गया to be tested by Satan. वहां पर शैतान से परीक्षा पाए जाए और वो चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे जगह भी उसे ले जाना चाहिए बट वेन गॉड टेक लेकिन जब परमेश्वर अगर हमें ऐसे जगह पर ले जाता है that he has a in doing that. और एक बात को समझ लीजिए परमेश्वर का उस जगह ले जाने के वास्ते एक मकसद गॉड विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए पर्पज परमेश्वर बिना कोई उसके योजना मकसद के अलावा हमें नहीं ले जाएगा सो गॉड टूक दिस प्रॉफिट प्रॉफिट एज ए के

शिवरी, हाँ, शिवरी. हाँ। क्या आप वो शिवरी जो दा, 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 ये सिमेट्री गए हैं कब्रिस्तान गए हुए हैं क्या कभी तुमने देखा है कोई दोस्त अपना मैत्रीन को लेकर जाता है वहां पर फॉर अ सेल्फी और सेल्फी लेने के लिए और फॉर अ प्री वेडिंग फोटोशूट विवाह के पहले जब फोटो लेने के लिए ले जा, ले गया क्या कभी देर इज समिंग रॉन्ग विध दिस मैन तो वो लड़की सच में कह दी कि कुछ तो गलती है इस लड़के में रिलेशनशिप तो वो उसके साथ रिश्ता जो है तोड़ देगी बट गॉड एस टेकन दोफेट टू एट

और आप अगर दो सूखी हड्डी या वो जो हड्डी के बरा वो अगर दिखे भी दें व्हाट इज इट मीन तो उसका मतलब क्या है डेंजर यस yes. तो वहां पर अब आ, वहां पर खतरा है यू डू तो अगर क्या करेंगे टू गोट प्रॉफिट आप आपके भविष्य भविष्य जो करता है के go, पास पास will, जाएंगे. और या तो तुम उस चतुर जाएंगे जो तुम्हारा सपना का जो है उसका अनुवाद करता or है fast and, या तो कलिशा के कोई व्यक्ति से पूछेंगे तुम प्रार्थना उपास प्रार्थना कीजिए मेरे लिए बिकॉज यू सी डेंजर क्योंकि वहां पर एक खतरनाक या ऐसा खतरा की बात हमें पता चलता है

परमेश्वर उस तराई के और आगे पीछे और चारों तरफ नॉट ओनली वैली और उस तराई के और ही नहीं ले गया वॉक राउंड एंड राउंड लेकिन उसे पूरे आस पास चारों और उसे घुमा कर बताया बीच और इन गार्डन हम जो है बगीचा या गार्डन या समंदर किनारे और जाना चाहते हैं। But we would never love to walk in a valley that would go round and round in a valley that is full of dry bones. और ऐसे तराई जहाँ पर सूखी हड्डी पर दिखाई पड़ती है वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। Then verse three. तीसरा वचन। तब मेरे स्वामी यहुवा ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र क्या यह हड्डियां जीवित हो सकती है मैंने उत्तर दिया मेरे स्वामी यह हुआ, प्रश्न का उत्तर जानते हैं There is a valley full of dry और ये God, of valley. और ऐसा तराई पर पूरे हड्डियों से भरी परमेश्वर का आत्मा जो है उसे उस तराई के और ले गया And he made him walk. और उसे वहां पर घुमाया हिम अ क्वेश्चन फिर उससे सवाल करता है परमेश्वर सन ऑफ मैन कैन दीज बॉन्ड्स लिव मनुष्य का पुत्र क्या यह हड्डियां जीवित हो सकती है इफ गॉड सपोजिंग गॉड आस्क अस दिस क्वेश्चन अगर समझ लीजिए परमेश्वर हमसे अगर यह सवाल करता है वुड बी एंसर हमारा उत्तर कैसा होगा दीस आर वेरी ड्राई बॉन्ड्स और ये ऐसे सुखी हड्डी इट्स नॉट वन बॉन्ड और एक ही नहीं हड्डी वैली फुल ऑफ ड्राई बॉड ये तरह ही पूरी हड्डियों से भरी हुई फॉर मेनी इयर्स इसलिए बहुत से लोग गॉड इज आस्किंग ए क्वेश्चन और परमेश्वर इसलिए सवाल करता है सन ऑफ़ मैन कैन दिस लिव और मनुष्य का पुत्र क्या ये हड्डियां जीवित हो टू हैपन और ये असंभव बात है होने के We लिए cannot just imagine this. हम इसका तो कल्पना भी कर नहीं सकते हैं बट गॉड इज आस्किंग क्वेश्चन लेकिन यहाँ पर परमेश्वर पूछता है सवाल एंड से यहाँ पर प्रतिसाद के बदले वो जो उत्तर देता है Sovereign Lord, you alone know.

Job, 64 और हम जानते हैं अयुब के पास जो परमेश्वर ने चौसठ चो, ऐसे सवाल किए हैं जॉब डिड नॉट हैव आंसर फॉर इवन वन ऑफ के पास एक भी ऐसे प्रश्नों का जवाब या उत्तर नहीं था वेन गॉड आस एजियल जब परमेश्वर एजेक को पूछता है पुत्र क्या यह हड्डियां जीवित हो सकती है said, और कहता, कहता Lord, है लॉर्ड आई डू नॉट नो हे मेरे स्वामी मैं तो नहीं जानता हूं आप you know आप है आप सब कुछ जानते हो कैन बीस क्या ये हड्डियां जीवित रहेगी? जीवित हो सकती रहेगीबल मनुष्य के समझ से ये असंभव है बट विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल लेकिन परमेश्वर के और से कोई भी असंभव नहीं है चौथा वचन

और यहाँ पर इज़कियेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर सेविका ही देता है मिनिस्ट्री टू द ड्राई बोन्स और ये ऐसे सेविका जो है अह हुई हड्डियों के ऊपर हाउ many of us like such a ministry और हमसे कितने लोग ऐसे एक सेविका ही चाहते हैं God is asking Ezekiel, prophet Ezekiel स्पीक टू दिस ड्राई बॉन्स और परमेश्वर एजेकअल भविष्य दत्ता को ये पूछता है ये सुखी हड्डियों से तुम बात कराई बॉन्सर दर्ड ऑफ द लॉट हे सुखी हड्डियान तुम परमेश्वर की वाणी सुनो हाउ कैर द ड्राई बॉन्स हियर दर्ड ऑफ द लॉट कैसे सुखी हड्डी परमेश्वर का वचन सुन सकता है द ड्राई बॉन्ड्स डू नॉट है और जो सूखी हड्डी है उसके कान है नहीं बट गॉड इज ड्राई बॉन्ड लेकिन परमेश्वर भविष्य दत्ता को पूछता है कि तू ये सुखी हड्डियों से बोल ड्राई द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सुखी हड्डियों परमेश्वर की वाणी को सुनो इट्स अ प्रोफेसी और एक भविष्यवाणी है गॉड इज टेलिंग इजिंग टू टू द द ड्राई बोन्स परमेश्वर भविष्यदता भविष्य को बोलता है तुम भविष्यवाणी बोलो इन हड्डियों के ऊपर वी हैव मेनी प्रोफेसीज बहुत सारे भविष्यदानिया है

संभाल उसे देना है ड्राइ बॉर्ड या कि वो सूखी हड्डी के लिए फला क्यों ना हो गॉड परमेश्वर तुम्हें बोलेगा कि बोलना है वचन और, को, और to to a, a person, या कोई बहरा व्यक्ति से भी अगर कहता है कि तुम इसे बोलना है तुमसे मांगता है की तुम करो डोट डाउट गॉड परमेश्वर से कभी संदेह मत करना डू नॉट डाउट हिज पावर परमेश्वर के सामर्थ्य को कभी संदेह मत करना गॉड इज एबल टू डू अ मिरेकल परमेश्वर चंगाई करने के लिए योग्य है वी नीड टू ओबे व्हाट गॉड सेस हमें पालन करना चाहिए जो परमेश्वर कहता है उसका आज्ञा का इफ यू आर इन अ कंडीशन लाइक दिस अगर समझो इस तरह के हालात में अगर आप हो लाइक दिस ड्राई बोन्स जैसे कि सूखी हड्डी के समान इफ यू फील दैट यू आर होपलेस यदि आप समझेंगे कि आप में कोई आशाहीन आशा नहीं है हो इफ यून टू दर्ड ऑफ गॉड यदि वचन को सुनोगे गॉड्स वर्ड पावर परमेश्वर का शब्द और वचन में सामर्थ जो तुम्हें बदलने के लिए और वो चमत्कार करेगा आपके बिकॉज ऑफ गॉड इज पावर क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है Faith comes by hearing the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से ही आता है। When you listen to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, you receive faith. तब तुम्हें सामर्थ मिलेगा when you obey his word, जब तुम उनके वचन की आज्ञा का पालन करोगे God will do a परमेश्वर वहाँ पर चंगाई चमत्कारी God करेगा। can do करना है परमेश्वर को। We never doubt God's power. परमेश्वर के सामर्थ को लेकर कभी हमें संदेह नहीं करना है He is a God who can do वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो असंभव बातों को संभव करता है God is asking the prophet Ezekiel to speak to the bones. यहाँ पर परमेश्वर एजेकियल भविष्यद्वता से कहता है कि इन सूखी हड्डियों से बोल. Dry bones, very dry bones, died dead for long time. और ये ऐसा एक सूखी हड्डियाँ जो कुछ नहीं ही वर्षों तक मरा हुआ वहाँ पर सुख पड़ा वहाँ पर कोई आशा ही नहीं है. And God is asking. him to speak to the dry bones परमेश्वर इस ऐसे एक हड्डी से कहता है, इस pade हड्डी से कि tum bolo and what is the message he wants to speak तो क्या ऐसा वचन वो बोलना चाहता है परमेश्वर बस 5 पांचवा वचन द सेड द लॉर्ड गॉड अनटू दिस बोन्स बीहोल्ड आई विल कॉज ब्रेथ टू एंटर इनटू यू एंड यू शैल लिव मेरा स्वामी यहोवा तुमसे यह कहता है मैं तुम में आत्मा आत्मा को आने दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे God is giving a ministry to the prophet Ezekiel. और भविष्य भविष्य को परमेश्वर यहाँ पर सेविकाई देता है. It's not an easy job. एक साधारण या फिर आसान सेविकाई नहीं है. He's asking him to speak to the dry bones. और वो परमेश्वर उसे मांग करता है कि तू जो सूखे हड्डी से बोलो. And what is to be said? क्या कहना है तुम्हें? This is what the Lord, the sovereign Lord says. यही जो सेना स्वामी यहोवा कहता है I'll make breath enter you. और मैं तुम्हें जीवित आत्मा डालू राइफ ताकि तुम्हें जीवन आ जाएगी। जाएगीबल उसे ऐसे बातें बोलना है जो असंभव है इफ गॉड इज us टू स्पीक टू ड्राई bones, अगर परमेश्वर मांगता है कि तुम्हें सुखे हड्डी से बोलना है इफ no इज नो वन may try। आ, अगर आसपास कोई नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हो बिकॉज आर ओनली ड्राई bones।

और ये विश्वास करने के लिए हमारे पास विश्वास की जरूरत God है टू स्पीक दर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर के वचन बोलने के लिए which seems और हम देखते हैं जो असंभव की बातें हैं नीड टू है विश्वास क्यों होना जरूरी है तुम्हारे आत्मा तुम्हारे अंदर जो जीवन दूंगा ताकि तुम्हें जीवन आ जाए हाउ कैन दिस

मैं तुम्हारे ऊपर नसे और मांस पेशियां चढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें चमड़ी तुम्हें चमड़ी से ढक दूंगा तब मैं तुम तुम्हें प्राण का संचार करूंगा और तुम फिर जीवित हो उठोगे तब तुम समझोगे कि मैं स्वामी यहोवा हूं हूँ दिस इज हाउ गॉड इज गोइंग टू मेक द डेड बॉन्ड लिव और इसी तरह परमेश्वर सुखी हड्डियों को जीवन देगा पूरे पूरे मास और सभी प्रकार के जरूरतों से he will do it step by step. और एक-एक एक-एक के बाद वो करेगा। First he will attach tendons, पहला जो है वो उस पर मास the, मास that से मास्क uh, और मास और पेशा जो है उसे चढ़ाएगा जो हड्डियों के ऊपर जो बनना है मसल्स विद स्किन और फिर वो मास और पेशियों को वो जो फिर चमड़ी से ढक देगा After that, he says, I'll put breath inside, और फिर वो कहता है मैं उनके अंदर जो है सांस को फूकूंगा एंड दीज ड्राई बोन वेल कम बैक टू लाइफ फिर ये सूखी हड्डियां जो है जीवित हो उठेगी सो इफ एन योर फर्स्ट सिटिंग Like यहाँ पर हम बैठे हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर समझता है की हम ऐसे एक सुखी हड्डियों के समान है तब विश्वास कीजिए केवल ये मसीह जो है परमेश्वर आपका जो इस हालात को बदल देगा इम्पोसिबल विद क्यूकी परमेश्वर से कोई भी बातें असंभव नहीं है जस्ट बिलीव गॉड केवल विश्वास कीजिएम और उसका आज्ञा पालन कीजिए नेवर डाउट हिस्स पावर Ka ko kabhi he mat says, karna. I will do it. Aur wo kaha hai ki main and he is faithful. Aur wo hai. And he will do it. Wo Verses 7 and 8. Aur so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above. but there was no breath in them अर्थात मैंने यहोवा के लिए उन हड्डियों से वैसे ही बातें की जैसे उसने कहा मैं जब कुछ कह ही रहा था तभी मैंने प्रचंड ध्वनि सुनी हड्डियां खड़खड़ाने लगी और हड्डियां हड्डियों से एक साथ जुड़ी वहां वहां मेरे आंखों के सामने नसें नसों मांसों पेशाओं और त्वचा में जो ने हड्डियों के टकना आरंभ हुआ आरंभ किया किंतु शरीर हिलने हिल, शरीर हिले नहीं उनमें प्राण नहीं था व्हाट डज अकेल डू तो एजेकेल ने क्या किया एजेकेल जस्ट ओबेड गॉड एजेकेल ने केवल परमेश्वर का आज्ञा पालन किया ही वाज आस्क्ड टू प्रोफेसी टू द बोन्स ड्राई बोन्स और उसे कहा था कि ये सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करना and he है एंड ही जस्ट स्पोक केवल उसने बोला पर चमत noise, पर चमत्कार हुआ फिर आवाज़ साउंड और ऐसे एक हड्डियों के आवाज, together, और जैसे ऐसे प्रेजिडेंट की ध्वनि आई की हड्डी जो है कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी बोन टू बोन और हड्डियों के साथ एक हड्डी साथ जुड़ गई स्पोक so और जैसे भविष्य जब बोला बोला मूविंग सु हड्डिया जो है वो हिलने लगे अ नॉइज और वहां पर फिर एक प्रचंड ध्वनि हुई सुनी दैट अ नॉइज ऑफ दिस मूविंग और वो ऐसा एक ध्वनि आवाज जब ऐसे एक हड्डिया एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं एंड द केम टूगेदर बॉन्ड टू बॉन्ड और फिर हड्डिया हड्डियों के साथ में मिलने लगी केम एंड ज्वाइन परफेक्टली टूगेदर और एक साथ वो जुड़ गए एक सही समान टू हैंड्स और फिर एल्बो uh, जो है हाथ के हड्डिया से पूरा वो uh, हाथ स, हाथ तक नीस टू लेग्स और फिर घुटना से पैरों तक बोन और फिर अपने पीरीत की हड्डिया और फिर हमारे जो uh, 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 हड्डिया है the skull, the skull. और फिर दिमाग जो है

और फिर वहां पर नस वहां पर नस जो है वहां पर आ, उप, उप आ, नस बन गए फ्रेश अपियड और फिर वहां पर शरीर भी मांस भी वहां पर दिखाई पड़ा देवर्ड विद स्किन और फिर उनके ऊपर जो है चमड़ियों से ढक दिया गया सो ऑल दिस ड्राई बोन्स इन द वैली हैज बिकम डेड बॉडीज और जो ये सूखी हड्डियां जो थी सब एक साथ में सब पाकर अभी एक जो है मृत्यु का एक मरा हुआ शरीर समान पर पड़ा there a great miracle. एक एक है एक एक बहुत बड़ा चमत्कार है. लेकिन उसमें जीवन नहीं है They were like dead bodies. और एक मरा हुआ शरीर के नाहे पड़े थे is there any use with these dead bodies? और इस मरा हुआ शरीर का कोई फायदा है, no, no कोई मतलब नहीं है. लेकिन परमेश्वर उन्हें जीवन देने का योजना रखा है Verses 9 and 10. Now, are thus. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, Son of Man, and say unto the wind, Thus said the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breath upon these slain, and that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Tabteri Swami, ne Kaha, सांस से मेरे लिए कहो मनुष्य के पुत्र मेरे लिए सांस से बातों बा से बातें करो सांस से कहो कि स्वामी यहोवा यह कह रहा है सांस हर दिशा से आओ और इन शवों में प्राण संचार करो उनमें प्राण संचार करो और वे फिर जीवित हो जाएंगे इस प्रकार मैंने यहोवा के लिए सींस सांस से बातें की जैसा उसने कहा और शवे में सांस आई वे जीवित हुए और खड़े हो गए वहां बहुत से पुरुष थे और वे एक बड़ी विशाल सेना थी फर्स्ट गॉड आस्क द प्रोफिट टू स्पीक टू द द बॉन्स ड्राई बॉन्स पहला जो परमेश्वर ने सूखे हड्डी से बात करने कहा था भविष्यवाणी को यस इन अ मिरेकल और वहां पर भविष्यवाणी करने की वजह से चमत्कार देखा नाउ गॉड इज आस्किंग टू स्पीक टू द विंड और परमेश्वर अभी उसे कहता है कि हवाओं से बात करने के लिए सिंस ही हैज सीन द मिरेकल आई थिंक इट इज इजी फॉर हिम टू स्पीक टू द विंड और जैसे वो हड्डियों से बात करने की वजह से उसमें और एक दृढ़ता आई और तो फिर उसे आसान हो गया कि सांस से बात करने के लिए

गिव लाइफ टू दिस डेड बॉडी ताकि इस मरा हुआ शरीर में शव में वहाँ पर जीवन आना है विंड जैसा वो उस सांस से बोला the breath केम वहाँ पर जीवन आया उनमें। और फिर वहाँ पर जीवन दिखाई पड़ा ऑल आर्मी और ये पूरा मरा हुआ शरीर एक साथ उठ खड़ा हुआ और वहाँ पर एक बहुत ऐसा बड़ा विशाल सेना के नाय बन गया और मरा हुआ एक हड्डी था, became, था। और फिर वहाँ पर वो ही थे became, और फिर एक लाश बन गया life, और फिर वो लाश बनने के बाद उसमें जब जीवन मिला वो एक बड़ा सेना बन गया

बोले सो ही शॉर्ट दिस मिशन और उन्होंने ए दर्शन को उसे दिखाया सो दैट ही कुड एक्सप्लेन व्हाट इज ही गोइंग टू डू और उसे पूरा समझाया कि उसे क्या-क्या करना है वर्स 11 ग्यारह वचन एनी सर ऑन टू मी सन ऑफ मैन दिस बोन्स आर द होल हाउस ऑफ इजराइल बीहोल्ड दे से आवर हाउस आवर बोन्स आर ड्राइड एंड आवर होप इज लॉस्ट वी आर कट ऑफ फॉर आवर पार्ट्स तब मेरे स्वामी यहुआ ने मुझसे कहा मनुष्य के पुत्र ये हड्डियाँ इज़राइल के पूरी परिवार की तरह है इज़राइल के लोग कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गई है हमारी आशा समाप्त है हम पूरी तरह नष्ट किए जा चुके हैं Now God is telling prophet Ezekiel these bones are the house of Israel. अब परमेश्वर यहेजकेल से कहता है ये सब हड्डियाँ जो सूखी थी वो इजराइल का घराना है। Israel is like dry bones. और इजराइली एक सूखी हड्डी के समान है। They are dead for many years. बहुत वर्ष के लिए वे मरे हुए थे। They are without hope. बिना कोई आशा के थे। Ezekiel had this vision about 2500 years ago. और 2500 वर्ष पहले Ezekiel के पास ये दर्शन था. That was when he was in 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 Babylon in exile. और जब तो वो बबिलोन में बंदीग्रह या गुलामी दासवता में था. Though God brought them back uh, from Babylon after 70 years in exile. और 70 वर्ष के बाद जो बंदीग्रह से परमेश्वर ने उन्हें दासवता से बाहर निकाला. In AD 70 Romans invaded Jerusalem. और uh, मसीह के मृत्यु के बाद सत्तर वर्ष के बाद जो है रोम राज्य जब नाश हुआ गया वहां से बचाया। They completely destroyed the सिटी और वो जो शहर पना पूरी तरह नाश हो गया the temple was set on fire. और उस मंदिर को तोड़ दिया गया मेनी ऑफ गॉड्स पीपल captive। और बहुत सारे परमेश्वर के लोग वहां पर बंदी बनाए गए हैं द द होल नेशन पीपल ऑफ द होल नेशन वाज स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड और इजराइल के पूरे राष्ट्र तितर बितर हो गया पूरे विश्व भर में फैल गए इजराइल के लोग गॉड हैड देम परमेश्वर उन्हें

एंड दे यू शल सर्व अदर गॉड्स विच नीदर यू नॉर योर फादर्स हैव नोन इवन वर्ल्ड एंड स्टोन यहुआ तुम्हें पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक संसार के सभी लोगों में बिखेर देगा वहाँ तुम दूसरे लड़की दूसरे लकड़ी और पत्थर के देवताओं को पूजोगे तुम्हारी पूर्वजों ने कभी नहीं पूजा दिस वॉजिशमेंट uh, for, for, uh, for being unfaithful to God. और ये इसराइली लोगों के लिए एक दंड के समान था क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किए गॉड थ्रू nations. परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र भर में उन्हें तितर बितर कर दिया नेशन और यहूदी लोग हरेक राष्ट्र में पाए जाते हैं they were without a land of their own. उनका खुद का जमीन नहीं है एक भी

जहाजों में मैंने यह कहा कि तुम उस स्थान पर दोबारा कभी नहीं जाओगे किंतु यहवा तुम्हें वहां भेजेगा और वहां तुम अपने को अपने शत्रुओं के हाथ दास के रूप में बेचने की कोशिश करोगे किंतु कोई व्यक्ति तुम्हें खरीदेगा नहीं द लॉर्ड विल सेंड यू बैक टू इजिप्ट परमेश्वर तुम्हें दोबारा मिश्र देश में भेजेगा गॉड डिलीवर द पीपल फ्रॉम इजिप्ट और परमेश्वर मिश्र देश से अपने लोगों को छुड़ा निकाला them, जैसे उन्होंने उन्हें

और फिर विश्व युद्ध दो में हिटलर एलोन सिक्स जूस और हिटलर एक ही है जो 60 लाख ऐसे यहूदियों को मार डाला अबाउट यंग और इस 60 लाख के यहूदियों के बीच में वहां पर 15 लाख तो बच्चे ही थे मेनी ऑफ दर किल्ड इन गैस चेम्बर्स और बहुत से लोग वहां पर गैस चैम्बर जो है वहां पर मार डाल दिए गए हैं टू अ गैस और उन्हें जो है गैस चेंबर में ले गया क्लोज द डोर और वहां पर द -द द्वार बंद किया गया एंड लेट पॉइजनस गैस एंडोर इनटू द इन द चेंबर और नशीला ऐसा एक गैस ग्या, को जो है हवा को वहां पर अंदर छोड़ दिया गया कमरे के अंदर एंड ऑल ऑफ दिस पीपल वर पॉइजन टू डेथ और ये सभी बच्चे लोग वहां पर उस उससे प्रभाव होकर मर गए मेनी ज्यूज वर शॉट डेड इन मास शूटिंग और ऐसे बहुत बड़ा uh, पैमाने में वहां पर जो है गोलीबार किया गया उसमें बहुत सारे यहूदी लोग मार डाल दिए गए uh, uh, और उन्हें ऐसे बड़ा कबर के वहां पर पास उन्हें uh, जान जा, uh, उन्हें जो रखा गया वो मार डाल दिए गए uh, uh, और जैसे वहां पर उसे मार डालने के बाद जैसे वो कबर के अंदर गिर गए।

और उसके उस क्रुसेड में सम्मेलन में हजारों लोग स्वीकार किए परमेश्वर को क्रुसेड में ड्यूरिंग द क्रुसेड और थाउजेंड्स ऑफ और, ताँ, और हजारों यहूदी लोग वहां पर उस क्रुसेड में या सम्मेलन में मार डाल दिए गए हत्या किए गए उनका इन द 14th सेंचुरी प्लेग थ्रू यूरोप किलिंग मेनी पीपल और चौथा और चौदहवा ऐसा सदी में जो है प्लेग ऐसा बीमारी आकर यूरोप देश में बहुत लोग मार डाल दिए गए इट वॉज लाइक दिस कोविड और वो कोविड बीमारी के समान पीपल uh, और ये महामारी के कारण लोग जो है यहूदियों के ऊपर दोष लगा दिया क्योंकि इनके वजह से ये महामारी हमारे देश में आ पड़ा they were और, they were और इसके वजह से उन्हें मार डाल दिया गया या उनका हत्या किया गया देवर नो अदर नेशन दर्ल्डिकूटेड

और तू जो अपने परमेश्वर युवा की न मानेगा इस कारण आकाश के तारों के आ, तारों के समान अनगिनित होने की अनगिनित होने की सन्नति तुम में से थोड़ी ही मनुष्य रह जाएंगे When God had Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया like, uh, तुम्हारे संतान जो है आकाश पर बने हुए तारे के समान रहेंगे परमेश्वर यहाँ पर कहता है

क्या ये मरा हुआ देह जो है उसमें जीवन आएगी दिस इज वॉट गॉड इज आस्किंग प्रोफेट एजेकियल और भविष्यवक्ता दत्ता एजेकियल से यही परमेश्वर पूछता है इट सीम्स इम्पॉसिबल और ये ऐसा मान ये असंभव ऐसा दिखाई देता है सुल्तान अहमद ऑफ टर्की सेट और सुल्तान जो अहमद तर्की का था इफ द What the water of the river Nile River flows to the opposite direction. अगर Nile नदी का जो uh, uh,

टर्की राष्ट्र का सुल्तान तुल, ये कहता है इट मीन इट इम्पॉसिबल इसका मतलब ये असंभव है क्योंकि वो ऐसा बहना है। इसराइल विल नेवर बिकम ए नेशन डेट्स वॉट यू सेट इजराइल कभी दूसरा एक राष्ट्र नहीं बनेगा ऐसा वो कहता है बट देयर इज नथिंग इंपॉसिबल विद गॉड लेकिन परमेश्वर से कोई भी असंभव नहीं है गॉड इज विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल परमेश्वर से सब कुछ संभव है दो गॉड स्कैटर्ड हिज पीपल थ्रू आउट द नेशंस हालांकि परमेश्वर ने कुछ दिनों के लिए इजरायली या यहूदियों को अलग किया गया He देशों also से ही आल्सो प्रॉमिस आई विल गैदर देम और उसने अभिवचन और वादा भी किया है कि अभिवचन दिया है कि उन्हें दोबारा परमेश्वर एक साथ ले आएगा यर्मया चैप्टर 31 वर्स 10 यर्मया का पुस्तक 31 अध्याय वचन 10 Hear the word of the Lord O nations and declare it in the coastlands far away He who scattered Israel will gather them and keep and will keep him as a shepherd keeps his flock राष्ट्रों यहुवा का यह संदेश सुनो सागर के किनारे के दूर देशों देशों को यह संदेश कहो जिसने इज़राइल के लोगों को बिखेरा वही उन्हें एक साथ वापस लाएगा और वह गडेर, वह गडेरिए गडेरिए की तरह अपनी अपनी झुंड लोगों की देखभाल करेगा

परमेश्वर विश्वास योग्य है देयर आर मेनी प्रोफेसीज इन द ओल्ड टेस्टामेंट अबाउट रीगैदरिंग ऑफ इजराइल और इज़राइली को इकट्ठा करने या दोबारा एक साथ जुड़ने का बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में किए गए हैं एमोस चैप्टर 19 वर्सेस 14 एंड 15 एमोस का पुस्तक अध्याय 9 14 और 15 आई विल ब्रिंग बैक माय एक्साइल्ड पीपल ऑफ इजराइल दे विल रीबिल्ड द रूइंड सिटीज एंड लिव इन देम दे विल प्लांट विनियर्ड्स एंड ड्रिंक देयर वाइन They will make gardens and eat their fruit. आई विल प्लाट इस ओन लैंड नेवर अगेन टू बी अप्रूटेड फ्राम द लैंड आई मैं अपने लोगों इसराइलियों को देश निकाले से वापस लाऊंगा मैं नष्ट हुए नगरों को फिर से बनाऊंगा और उन नगरों में रहेंगे वे वे वे, वे अंगूर अंगूर की बोलों के बाग लाएंगे और वे उन बागों से प्राप्त दाख मधु वे बाग लाए लगाएंगे और वे उन बागों के फलों को खाएंगे मैं अपने लोगों को उनके भूमि पर जमा और वे पूर्ण उस देश में उखाड़े उखाड़े नहीं अब जाएंगे जिस जिसे मैंने उन्हें दिया है यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ने ये बातें कही दिस आर द प्रोमेड ये परमेश्वर का एक अभिवचन

asking Ezekiel to speak to the people of Israel. Parmeshwar Ezekiel bhavishyadatta ko bolta hai ki lo Israeli logon ke liye bhavishyadani kar. He is not asking you to speak to the dry bones now. अभी वो सुखी हड्डियों से भविष्यदानी नहीं करने को बोल रहा है. He is asking to speak to the people of Israel. इस्राएली लोगों के लिए बोलो, इस्राएली लोगों के और बोलो. Ezekiel चैप्टर 37 वर्स 12। twelve. 37 अध्याय वचन 12। twelve. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign lord says my people i am going to open your graves and bring you up from them i will bring you back to the land of israel इसीलिए उनसे मेरे लिए बातें करो उनसे कहो स्वामी यहवा यह कहता है मेरे लोगों में तुम्हारी कब्र तुम्हारी कब्रें खुलेंगी खोलूँगा खुल, और तुम्हें कब्रों के बाहर लाऊंगा तब मैं तुम्हें इज़राइली के भूमि पर लाऊंगा God is calling them my people. और परमेश्वर उन्हें कहता है कि मेरे लोग. It tells tells the prophet. और वो भविष्यदानी कहता है. तो परमेश्वर भविष्य है की oh like तुम्हें तुम तुम कोई आशा नहीं है तुम्हारा कबर को खोलूंगा तुम्हें जीवन दूंगा आई विल ब्रिंग यू बैक टू Your land, दुबारा तुम्हारे जमीन पर तुम्हारी स्वभूमि पर ले आऊंगा और, दाख, और कभी तुम्हें वहाँ पर उखाड़ नहीं उखाड़ दिया जाएगा इसराइल के लोग अभी अपने जमीन पर खुद के देश में आ पहुंचे वेस्ट

कैन अ कंट्री बी बोर्न इन अ डे और अ नेशन ब्रॉट फोर्थ इन अ मोमेंट यशा छसठ अध्याय वचन आठ ऐसा कभी नहीं हुआ इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति ने एक दिन में कोई नया नया संसार आरंभ होते हुए नहीं देखा किसी भी व्यक्ति ने किसी ऐसी नई जाति का नाम कभी नहीं सुना सुना होगा जो एक ही दिन में आरंभ हो जाए हो गई हो कंट्री बी बोर्न इन ए डे

कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि इसराइल जो यहूदी लोग एक देश में एक दिन बसेंगे बट इन 1948 फोर्टी एट द इम्पोसिबल थिंग्स है लेकिन 1948 वर्ष में ये पूरा हुआ द फिक्ट्री हेज ब्लूम्ड और अंजीर के पेड़ वहां पर उगा On May 15, 1948, Israel became a nation once again. 19 पंद्रह मई महीने के 1948 वर्ष में इज़राइल फिर दोबारा एक राष्ट्र के नाय खड़ा हुआ इज़राइल इज़ अ ग्रेट नेशन और इसराइल एक बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली देश है दो इट इज़ स्मॉल कंट्री इन द द मिडिल ऑफ़ ग्लोब और विश्व के विश्व के भीतर वो एक छोटा सा देश दिखता है इट इज बाई ऑल नेशन और लेकिन सभी राष्ट्रों से आज भी देखेंगे तो वो डरते हैं so इज़राइल देश को देखकर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इन और 2007 वर्ष के बाद वो एक आजादी देश बन गया 2700, 2700 years. 2700 वर्ष के बाद वो एक आजाद विश्व देश बन गया गॉड्स वर्क और इसराइल इज नॉट एट ओवर परमेश्वर का कार्य जो इसराइली देश को लेकर है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ही विल गिव दम लाइफ और परमेश्वर उनमें जीवन देगा God's ultimate purpose for the nation is to save the people of Israel. परमेश्वर का एक बड़ा मकसद यही है और यही है कि इजराइली लोगों को बचाना है. That's what God promised. यही परमेश्वर ने अभिवचन दिया है. In Ezekiel chapter 37 verse 14. और इजकियल का पुस्तक 37 अध्याय वचन चौदह। God says I'll put my spirit in you. परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें मेरे आत्मा डालूंगा. And you will live. और तुम जीवित हो जाओगे. I will settle you in your own land. मैं तुमको मैं

अब जब वो उनमें जीवन पाएंगे और वे एक मशहूर मजबूत राष्ट्र बन जाएगा इट्स नाउ ये आज तो बड़ा राष्ट्र है ही But है लेकिन एक ऐसा बड़ा सेना नाये नहीं बना है जो परमेश्वर चाहता है them, जब परमेश्वर अपना आत्मा उनके अंदर डालेगा दे विल ए ग्रेट आर्मी वे फिर एक बड़ा सेना के नाय उठ खड़ा होंगे बाईस वचन I will make them one nation in the land on the mountains of Israel there will be one king over all of them and they will never again be two nations or divided into two kingdoms मैं उन्हें इजराइल के पर्वतों के प्रदेश में एक राष्ट्र बनाऊंगा उन सभी का केवल एक राजा होगा वे दो राष्ट्र नहीं बन राज... नहीं बने रहेंगे वे भविष्य में राज्यों में नहीं बांटे जाएंगे

और दक्षिण जो है वो एक जुड़ा राज्य बन गया टू किंगडम्स वहां पर दो ऐसा राज्य था नॉर्थ एंड किंगडम एंड सदर्न किंगडम और उत्तर और दक्षिण ऐसा दो अलग अलग राज्य बन गया एट गॉड से परमेश्वर कहता है देर बी वन किंग और ऑल ऑफ दम और उनके ऊपर एक ही राजा होगा ऐसा परमेश्वर कहा आई मेक द वन नेशन इन द लैंड मैं उन्हें भूमि में एक ही राष्ट्र बनाऊंगा

परमेश्वर ने वादा किया आदेश दिया है कि, दिया कि वो एक दिन राज करेंगे 24, और चौबीस वचन माई सेवन देवींगेरा सेवक दाऊद उनके ऊपर राजा होगा और वे सभी केवल एक ही गढ़ेरिया होंगे

पुकारेंगे गिड़गिड़ाएंगे उसके जो किए हुए इस बात को इन करम और वह जब इसराइल में यरूशलेम में वो जब विराजमान होगा David, अपना पिता का सिंहासन जो दाऊद का सिंहासन था आई रूल द होल वर्ल्ड

मैं उनके साथ एक शांति संधि संधि करूंगा यह 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 संधि सादा बनी रहेगी मैं उनको उनका देश देश दोनों so परमेश्वर कहता है मैं अनंत काल का वाचा मेरे लोगों के बीच में बनाऊंगा मैं मेरा निवास स्थान मेरे लोगों के बीच में बसऊंगा मैं उनके संग निवास करूंगा They will be my people. And They will acknowledge me as their king. and God and Savior. और वे कबूल करेंगे कि मैं ही उनका राजा हूँ, मैं ही उनका उद्धार करता हूँ. And verse twenty says. और अठाईस वचन कहता है. Then the nations will know that I, the Lord, make Israel holy when my sanctuary is among them. तब अन्य राष्ट्र समझेंगे कि मैं यहुवा हूँ और वे जानेंगे कि मैं इज़राइली को उनके बीच सदा के लिए अपने पवित्र स्थान रखकर उनके उनके विशेष लोगों के बना रहूंगा जब मसीहा दोबारा राजा के आएगा earth, जो उसका राज्य जब वो अपने इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे बनाएगा दाऊद का सिंहासन पर वो जब विराजमान होगा ऑल द पीपल ऑफ द विल हिम एस गॉड और विश्व भर के सभी लोग जो है राष्ट्र भर के वो कबूल करेंगे कि जो यही परमेश्वर है यही पवित्र शास्त्र कहता है ये कबूल करेगी केवल वही परमेश्वर है यहुवा। और फिर जो है 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 पर पर अंजीर का पेड़ पर फलता है। yeah, says, कहता है, victory, और जो ऐसा ये पीढ़ी है जो गवाई जब गवाई बनता है जो अंजीर पेड़ के नाए, जो वो उसका आने का आगमन भी उसी के नाए उदाहरण के ना होगा इज़राइल इज गॉड्स टाइम पीस और इसराइली जो है परमेश्वर का एक परमेश्वर का एक विशेष ऐसा लोग की उनका आग की पुतली है द डेवलपमेंट इन इसराइल शोज हिज कमिंग इज डियर और इज़राइल की जो इज़राइल की जो इज़राइल राष्ट्र का जो बढ़ोती है उसका आर्थिक उन्नति जितना होता है विज्ञापन होता है ये बताता है कि परमेश्वर का आगमन निकट है द डे इज नॉट फार दिन अब दूर नहीं है Jesus says, "I'm coming soon." यीशु कहता है, है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं एंड द चर्च इज वेटिंग फॉर हिज कमिंग कलीसिया बाट जो रही है मेरा आने के लिए बट ही इज कमिंग टू चर्च एज द्राइट ग्रूम और वो कलिशा के लिए अब दुल्हा के नाए आ रहा he is है। किंग और इज़राइली के लिए वो 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 राजा राजा के के आएगा। जैसा जब जब आएंगे। the church will be with him, कलिशा उनके संग होगा। दाऊद राजा के सिंहासन पर बैठकर विराजमान होकर राज करेगा चर्च विल रूल एंड रेन विद हिम कलिशा भी उसके संग राज करेंगे us, और यही परमेश्वर का अभिवचन है हमारे लिए कलिशा के होने के साथ नाते उनके साथ राज्य करने के लिए That's the hope we have. यही आशा में है इसीलिए जब एशु ने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूँ इसलिए कहा इसलिए कहा आइए परमेश्वर आइए परमेश्वर को धन्यवाद दिस ग्रेट होप। एक बड़ा इस आशा के लिए। लिए। एक धन्य आशा के लिए। we look to Israel, और जब इज़राइल हम देखते हैं God's piece, और परमेश्वर का जो है उसका आगमन निकट है थैंक यू पिता हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुबह के थैंक यू फादर फॉर वर्ड